2014 में ना वो लड़कियों ने एक लड़की को, तीसरी लड़की को जंगल में जाके चाकू मारे थे 19। Stabbed 19 times, allegedly by two of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man. तो गाइस अभी आपने इंट्रो में कुछ देखा होगा, उसी जगह पे जाने वाले हैं। बहुत टाइम हो गया कि गरित के पास एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब से प्रदीप के ऊपर अटैक हुआ है ना लैपटॉप का, ग्रुप में काफी डर का माहौल था। मतलब जैसे भाई कोई नहीं पंगे लेना चाह रहा। तो गाइस अभी के लिए रहने देते हैं जाने के लिए जंगल में। दिखा भाई क्या आया मैसेज। देखो भाई, बिग फैन भाई पुनीत भैया से कह दो स्लेंडरमैन वाले पार्क में जहाँ पे गए थे हम, वो वापस आ चुका है। एक्सीडेंट भी होने लग गया वापस। गाइस 100% मेरे को विश्वास नहीं है कि ये बात सच होगी। अभी गाइस हम निकल रहे हैं क्योंकि रात में ही वो पार्क में ये चीजें दिखती हैं, वहीं के लिए निकलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके सारे और सबको मैंने बिठा लिया था, तो मैंने इसलिए बीच में कोई क्लिप्स वगैरह नहीं ली। वही खबर आ रखी है कि ना सब्सक्राइबर जो हमारा बता रहा था उसी पार्क में है जो हम पहले दो बार गए थे, और हमें कुछ चीज दिखी थी वहाँ पे। मतलब मुंह सा कुछ दिखा नहीं, और मतलब बाल वगैरह भी नहीं थे, कुछ समझ नहीं आता। रौनक दीपक तू भी जा रखा है नहीं, उसने कोई कोट वोट सा पहन रखा था पूरे शरीर पे, उसकी जो सिर होते है ना गला जहाँ से यहाँ से ऊपर का कुछ भी नहीं था उसका। उतनी अजीब सा था ना, गंजा सा था बिल्कुल। कुछ अलग सीन था। प्रदीप भी और दीपक भी पहली बार जा रहे। हाँ, तो दीपक भाई को तो लेके जाना पड़ेगा ना, इनको थोड़ी नॉलेज अभी है। क्या आइटम यार, जाके देखना ही पड़ेगा जो भी है भाई, बता दो तुम। सही रहे, ज्यादा खतरनाक आइटम जो भी है। बहुत टाइम हो गया, कुछ ऐसी खबर तो आई नहीं थी। मतलब इतने टाइम बाद, कई महीनों बाद दोबारा ये चीज आई है, मानना थोड़ा मुश्किल है। भाई भैया ने आज वो माला वाला नहीं पहन रखी यार। लास्ट टाइम एक बार गया था गांव में, थोड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। हाँ बता रखा मेरे को। तो उनकी वजह से मतलब जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने के लिए गया था, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे पे हैवी पड़ी। वही वही तो काफी टाइम ना, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास में आ पाया, तो ये दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मेरे को कुछ टाइम के लिए सारा काम छोड़ना पड़ रहा और आगे सीख रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज जो थी पूरी नॉलेज नहीं हो पाई थी प्रॉपरली मेरे को, तो उस नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। हाँ ये बात है देख। अच्छा भैया, और वो जो चीज थी वो गाँव वाली, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी उस टाइम, बताते थे भैया। अभी तो हो गया कई, उसके भी महीने हो गए। एक दूर था और एक हमारे साथ, कोई बड़ा था भी नहीं भाई। भाई वीडियो में देख रखा है वही है ना वो पार्क में। हाँ वही पार्क है वो वहाँ पे। पता नहीं गाइस अभी क्या हुआ होगा पार्क का, हमें कुछ नहीं पता। कंटिन्यू करा उसको बनाना या क्या है कुछ नहीं पता अभी, तो जाके वही देखते है क्या है क्या नहीं सीन। ओ भाई साहब सामने आ चुका है पार्क हमारा, देखो गाइस ये कुछ ऐसा पार्क है। चले फिर अंदर, चलो भाई खाली रहता है वैसे तो ये पार्क, और लाइटें वगैरह तो जली रही है ऐसे तो। तो गाइस अंदर आ चुके हैं और लाइट तो वैसे है, दो चार तो जल रही है यहाँ पे, लाइटें वगैरह जलती है लेकिन कोई आता नहीं है। भाई ये वही है क्या, वही पार्क है क्या, वीडियो देखी थी जो ये मशीनें लगी हुई है ये अपने आप ये। हाँ एक बार चला था। हाँ ये क्या है भाई, डेंजर डेंजर का साइन तो लगा रखे हैं भैया। एक बार देखता हूँ मैं कि आगे पार्क वगैरह बनाया है नहीं बनाया, बीच में छोड़ भी तो दिया था इन्होंने। आसपास वाले जितने भी थे यहाँ पे मकान वगैरह हैं, किसी की कोई खबर नहीं आई, लेकिन ये अचानक इतने टाइम बाद अगर वापस आता है ऐसी चीज तो बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। कैसे आया सब कुछ रीजन देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। कैसा क्या दिखता भाई जो तुम बता रहे हो यार, कोट सा पहना हुआ था है नहीं, वो नहीं है, वो दिखता ही नहीं, कुछ अजीब सा है, और ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है यार। कोई भी नहीं है भाई पार्क में, ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं इनको भैया। भाई थोड़े मोड़े तो आएंगे नेगेटिव, यहाँ पे हुआ वहाँ पे ये चीजें फील होती है, जितनी ठंड यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो इस हिसाब से तो डाउट लग रहा है। मेरे को भी डाउट है क्योंकि बाहर इतनी नहीं थी, अंदर जाके ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे खेत वगैरह है, टेम्परेचर मतलब कुछ डिग्री डाउन हुआ है अंदर आती। गाइस अभी आप देख सकते हो उस साइड से ना थोड़ी आवाज आ रही है गाड़ियों की, वो उस साइड पड़ता है देखो हाईवे, यहाँ पे गाइस एक्सीडेंट वगैरह भी थोड़े बहुत होने लग गए, और बंदों को यहाँ से गाड़ी में से कुछ दिखता है बाहर से, ऐसा कुछ सीन बताया था भैया उसने। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर यहाँ पे एक्सीडेंट तो ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर किसी को अचानक दिख गया तो। भैया लेकिन ये पार्क जब बन रहा था ना, हाँ ईटे जब की पड़ी है, इसकी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी। ये तब की है क्या, ईट वहीं की है ये। हाँ ईटे तो पड़ी हुई, ऐसे कोई छोड़ कर तो जाता नहीं है, ये भी नहीं बन रखा कुछ भी, तब का ही छोड़ रखा भैया ये तो, जब से हम पहले आए थे। थोड़ा आप सेफ, क्योंकि यहाँ से पार्क बंद होता है, ये वाला एरिया चालू होता है यहाँ पे, खतरा सबसे ज्यादा। हाँ गाइज आपको यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा हुआ, ये देखो ले भाई
मूर्ति भी देखे, पेड़ भी थोड़ा और ही तरह नहीं लगा, तीन छड़ निकले हुए, तीन तीन निकली हुई है। रास्ते में कहीं भी नहीं दिखी ना ऐसे मूर्ति दूसरी, उधर डेंजर दिखा रहा था, हम देख के आए थे उधर डेंजर वगैरह लिख रहा था कुछ, साइन मिलते जा रहे भैया कुछ ना कुछ। पार्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं रखा होता, पार्क का एरिया खत्म होते जैसे कच्चे एरिया में जा रहे हैं, जब ये रखी है। ऐसे हम सीधा बीच की साइड से आए हैं पार्क में से, तो हमें जल्दी देखना था यहाँ पे आके भाई क्या है, क्योंकि इतना अगर टाइम लगाएंगे तो किसे वो पीछे देखो रे दिखाई नहीं दिया भाई एकदम से क्या हुआ भाई, भाई मेरी कैमरे में नजर थी, किसने देखा है, किसने कुछ तो देखा होगा, कुछ भी नहीं भाई, मैं यहीं था ध्यान मेरा, यहाँ से बात कोई भक्त हो गया भैया, भागता हुआ तो गया है, ऐसी हो जाएगी फास्ट तो देख ली मैंने, दिखाई भी नहीं दिया, कौन जाएगा, कौन है, वो भागा नहीं है, वो यहीं छुपा है पेड़ों के पीछे, वो आइयो आगे मत जाओ, आ जाओ देख के यही होना चाहिए भाई, कोई नशेड़ी वगैरह हो क्या पता, हाँ कुछ भी हो सकता है, कहा है आजा सामने, हम कुछ नहीं कह रहे भाई, कौन है, भैया कौन है, पेड़ के पीछे देख भी नहीं रहा, और इतने सारे बंदे अब किसी को नहीं दिखा अभी तक, अभी तक किसी को नहीं दिखा, भैया उधर फोकस करियो, देख 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 पत्थर है, डर लग रहा है अब भाई, मेरा तो आगे जाने का मन नहीं कर रहा, यार निकल लो भाई, पीछे भी जान देना भाई, डरावनी सी जगह, बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है भाई, अब तो आगे जाते जाते भाई बिल्कुल अंधेरा भी आगे, सारी भागा कहां से, पैरों के निशान कुछ तो होगा भाई साहब, क्या चीज है, पत्ते पुत्ते हिले हो, कुछ तो टॉर्च बंद कर, साइलेंट रहो, देखना पड़ेगा हमें कहाँ है और क्या चीज है, जब इसको पकड़ सकते हैं हम, आ जाओ एक बार आओ सामने, आ ना तो दिखाई दे रहा है इतनी रफ्तार, कौन था पीछे, कौन था भाई, कौन था, आना एक बार आना, क्या कर रहे, क्या हो गया गर्वित भाई, किसने धक्का दिया मेरे को भैया, यार यहाँ पे कोई साकी से धक्का दिया, बोलते धक्का कैसे, वही मैं जा रहा हूँ भाई, तुम्हारा जा रहा है, कैसे धक्का था, मतलब क्या तूने शक्ल देखी, नहीं क्या था पता नहीं, मैं आ रहा था तुम्हारे पीछे, एकदम किसी धक्का मारा, मैं गिर गया यार, ये एक डायरेक्शन में आवाज नहीं कर रहा, सारे डायरेक्शन में कर रहा है, चलना पड़ेगा अंदर, अंदर कोई चीज है जहाँ से ये आ रहा है, चलना पड़ेगा, अगर साथ में रहे बिल्कुल इधर उधर मत हो, अरे एक साथ चलो, क्या क्या हो गया, ऐसा नहीं सकता, ऐसा नहीं सकता साहब, मरोगे, सही कह रहा था, चल यार होना, कोई ना रुक, सुन मेरी बात सुन भाई, आए हैं ना तो कुछ जिम्मेवारी बनती है हमारी, डरना नहीं है इससे, ये डरा के हमें पहले ही भगाना चाहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वरना पहुंचा सकता था, आगे कुछ इसका एरिया वगैरह होगा शायद, कोई दिखाना नहीं चाहता, ये हमें पहले ही भेजना चाहता है, ये अपने एरिया में हमेशा कोई भी चीज हुई वो जाने से रोकती है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जानवर हो, ये टू जेड काफी आगे यार, कुछ क्या कुछ खा रहा है, कहाँ पे, उधर कौन है, कौन है, कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, कौन भाई, भाई तू ही है क्या जो अभी आया था, कौन है, कौन है रे, कौन भाई, भाई हेलो हेलो, आज यार बाहर भाई निकल हो, ओए भाई भैया 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 क्या ही क्या ही, निकल निकल